नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई एलओसी रजिस्ट्रेशन सीरीज के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की एक्सेल शीट में कैसे डेटा भरना है उस विषय पर बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को हम छोटा रखने के लिए सिर्फ इसमें सब्जेक्ट सेलेक्शन की बात करेंगे, रेस्ट ऑफ द डेटा की बात हम अगला छोटा सा वीडियो बना लेंगे। तो रेडी हो जाइए कि हमें सीबीएसई क्लास 9th की डेटा शीट में क्लास 10th एग्जाम के लिए जो अगले साल होगा उनका किस प्रकार से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, आइए डिस्कस करते हैं। आप अपने सामने सीबीएसई 9th क्लास की एक्सेल फाइल को खोल लीजिए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट 7 तक भरने के ऑप्शन आपको दिए गए हुए हैं। अब बात करते हैं कि सीबीएसई में टोटल सब्जेक्ट कितने दिए गए हैं ऑफर करने के लिए क्लास 9th में, जिनका एग्जाम क्लास 10th में दे सकते हैं। तो टोटल 131 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट 7 तक की बात करें, कितने 131 सब्जेक्ट्स। पहले दो सब्जेक्ट जो हैं ये कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर हमको दो लैंग्वेजेस का चुनाव करना होता है। फिर सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, हमको इन तीनों का भी कंपलसरी सिलेक्शन करना होता है। यानी सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 5 तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 6 और सब्जेक्ट 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनके क्या फायदे हैं हम आखिर में बात करेंगे। सब्जेक्ट 1, यहाँ पर सीबीएसई हमको देता है ऑप्शन 3 सब्जेक्ट में से किसी एक को चुनने के लिए। और वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं आप देखिए शीट, इसी वर्कबुक की, इसी एक्सेल वर्कबुक की शीट नंबर 2 पर आइए, जहां पर सब्जेक्ट है उसको क्लिक करिए, थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे, आप देखिए ये 3 सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, लैंग्वेज लिटरेचर इंग्लिश। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज लिटरेचर इंग्लिश जिसका कोड 184 है उसको सेलेक्ट कर देते हैं। जब सब्जेक्ट 2 की बात करते हैं तो सब्जेक्ट 2 जो है वो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है और इसमें हमको 41 सब्जेक्ट्स में यानी 41 लैंग्वेजेस दी गई हैं सेलेक्ट करने के लिए। इसमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं 41 में से, बशर्ते उसकी ग्रांट आपको मिली हुई होनी चाहिए और आपने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ओएसएस पोर्टल में अपने एकेडमिक डेटा में अपडेट किया हो। नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी कोर्स बी को सेलेक्ट करते हैं, यानी 085 को सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसका मीडियम क्या होगा, चूंकि हिंदी में देना है, हिंदी का पेपर है तो हिंदी में देंगे, उसका मीडियम हो जाएगा 2। ध्यान रखिएगा मीडियम आपको टाइप करके डालना है, अगर यहाँ ये ब्लैंक शीट होती है तो आपको 2 लिखना है। फिर जब हम सब्जेक्ट 3 की बात करते हैं तो सब्जेक्ट 3, 4 और 5 तीन सब्जेक्ट को चुनने के लिए आपके पास 15 ऑप्शन होते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट 10 में आइए, दूसरी शीट में देखिए सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 को चुनने के लिए आपके पास 15 ऑप्शन है, इनमें से कोई 3 ऑप्शन चुनने होते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में हम लोग चुनते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, साइंस और सोशल साइंस। अब देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन क्लास 9 में हो रहा था कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक में से क्या चुनना है, तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यद्यपि कि फ्रेमवर्क की बात करें, जो सीबीएसई ने फ्रेमवर्क रिलीज किया था उसमें मैथमेटिक्स बेसिक दिया हुआ है कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको केवल मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ही चूज करना है। यहाँ से हम आ जाते हैं सब्जेक्ट 3 में, सेलेक्ट कर लेते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और उसका मीडियम, चूंकि इसको बच्चा नॉर्मली इंग्लिश में पढ़ता है, इंग्लिश में देता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, तो इसका सब्जेक्ट हमें क्या रखना है, सॉरी इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखना है, इंग्लिश। हम इसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5 की बात करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट 4 में देखिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं साइंस और सोशल साइंस, सब्जेक्ट 5 में 86 और 87, 86, 086 और यहाँ पर 087। नॉर्मल कोर्स में दोनों का मीडियम जो है मीडियम ऑफ स्टडी एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, 1 फिलअप करेंगे और यहाँ पर भी 1 ही फिलअप करेंगे। ठीक है, अब आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर वहां पर 15 सब्जेक्ट दिए हुए हैं लेकिन आपके पास एक ही एक ऑप्शन खुल करके आ रहा है, तो उसका जवाब ये है कि मैंने अपने
ओएसिस एकेडमिक डेटा में 15 सब्जेक्ट अपडेट नहीं किए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 15 सब्जेक्ट्स की एफिलिएशन ग्रांट नहीं है। हमने सिर्फ उतने सब्जेक्ट अपडेट कर रखे हैं जितनों की हमारे पास एफिलिएशन ग्रांट है। अब हम आएंगे सब्जेक्ट 6 और सब्जेक्ट 7 की बात करेंगे। सब्जेक्ट 6 स्किल सब्जेक्ट्स है। देखिए स्किल सब्जेक्ट्स है, यहाँ पर इनको एस ग्रुप सब्जेक्ट्स कहा जाता है और इनमें हमारे पास 18 ऑप्शंस है। 18 ऑप्शंस, ये देखिए 18 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं 401 से लेकर के 4018 तक। अब इसमें से रिटेलिंग है, नॉर्मल कोर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चे ले लेते हैं, ऑटोमोटिव भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर निर्माण और मालवा में काफी लोग पसंद करते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, अपैरल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया है, काफी ट्रेंड में है और फिजिकल एक्टिविटी है। तो इनमें से जिस सब्जेक्ट की एफिलिएशन ग्रांट आपने ले ली हो सीबीएसई से, उस सब्जेक्ट को आपने ओएसएस पोर्टल पर अपडेट करना है और उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट 6 में 402 एंड दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसको हमारे बच्चे इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं तो हम इंग्लिश में चले जाते हैं। सब्जेक्ट 7, सब्जेक्ट 7 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन है? 54 ऑप्शंस हैं। ये देखिए आप जब यहाँ पर आएंगे 54 ऑप्शन है, 002 से लेकर के तो 0054 तक 54 ऑप्शंस हैं। अब इन 54 ऑप्शंस में तमाम सारी लैंग्वेजेस हैं, इनको एल ग्रुप सब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल ग्रुप सब्जेक्ट्स कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर वो दोनों सब्जेक्ट कतई सेलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं जिनको आपने सब्जेक्ट 1 या 2 के रूप में सेलेक्ट किया है। दूसरी चीज, जिस सब्जेक्ट का आपने कोर्स ए या बी सेलेक्ट कर लिया है पहले ही, उसका आप दूसरा कोर्स नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने पहले हिंदी कोर्स बी को ले रखा है, तो अब आप हिंदी कोर्स ए नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कोई दूसरी भाषा यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, या कोई दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशंस या म्यूजिक की बात करें, ये म्यूजिक है, हिंदी म्यूजिक, वोकल है, पेंटिंग है, होम साइंस है, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट से कि आपने सेलेक्ट कर लिया 012 मलयालम सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर जाते हैं और मलयालम सेलेक्ट कर देते हैं, 012 मलयालम सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका मीडियम सेलेक्ट करना है और मीडियम में मलयालम नहीं दिया हुआ है। ध्यान देने की बात है, बच्चा मलयालम को अटेम्प्ट करेगा मलयालम में ही, राइट? तो आपको इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर 1 2 3 4 में से कुछ भी नहीं भरना है। अब बात आती है कि सब्जेक्ट 6 ये और सब्जेक्ट 7 का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, क्यों लिया जाए? आखिर सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 5 तक बच्चे को पढ़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट 6 भी ले लिया जाए, सब्जेक्ट 7 भी ले लिया जाए, और लोड हो जाएगा उसके ऊपर, और लोड हो जाएगा तो बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो सकता है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती है। यहाँ समझने की बात यह है कि देखिए सब्जेक्ट 1 और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 7 भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर बच्चा सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 में पास है लेकिन सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 में किसी में एक फेल है, तो नॉर्मल केस में उसको कंपार्टमेंट आएगी। लेकिन अगर उसने सब्जेक्ट 7 ले रखा है, लैंग्वेज सब्जेक्ट ले रखा है, तो यहाँ फेल है इन दोनों में से किसी एक में, लेकिन यहाँ पास होने की वजह से उसको कंपार्टमेंट नहीं आएगा, उसको पास डिक्लेयर किया जाएगा और उसका सब्जेक्ट, उसका रिजल्ट भी सीबीएसई के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेगा। ठीक इसी तरीके से सब्जेक्ट 6 का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर बच्चा सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 या सब्जेक्ट 5 में से किसी एक में फेल है, नॉर्मल केस में कंपार्टमेंट आएगा, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट 6 में पास है तो उसको पास डिक्लेयर किया जाएगा और उसका जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये थी सब्जेक्ट 6 और सब्जेक्ट 7 की इम्पोर्टेंस। इस वीडियो में हमने क्लास 9 के सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि ये आपके काफी काम आएगी। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रह जा रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं पर्सनली वहां पर उनको आंसर करूंगा।
अगले वीडियो में हम सब्जेक्ट सिलेक्शन को हटा करके बाकी रेस्ट ऑफ द डेटा को क्लास 9 में कैसे फिल करना है उस पर चर्चा करेंगे। शीघ्र ही जारी होगा, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल भाषा के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।